वेलकम अगेन अवर यूट्यूब चैनल मिशन गाइड इंस्टीट्यूट दिल्ली। आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि जिस तरीके से रिजल्ट आ रहे हैं और जिस तरीके से बच्चों के हमारे पास मैसेज आ रहे हैं, तो सरासर मुझे तो लगता है कि अनायास स्टूडेंट के साथ धोखा हो गया है। क्यों? क्योंकि बच्चे ये सोच रहे थे कि भाई हमें प्रमोट पास कर दिया जाएगा और हमारे ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे और बच्चे अपना आराम से एडमिशन ले लेंगे किसी भी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाकर या 11th में जाकर। लेकिन जिस तरीके से रिजल्ट आया वो तो बिल्कुल सरासर धोखा है। क्यों क्यों धोखा है? क्योंकि बच्चे, अगर मान लीजिए कोई 12th का स्टूडेंट है और उसके मोटा मोटा जो अनायास बोर्ड ने, मैंने देखा है, जो परसेंटेज दिए वो 50 से नीचे ही दिए। तो एक बात बताइए, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में परसेंटेज से एडमिशन होगा तो बच्चे कैसे एडमिशन लेंगे? मतलब वो 12th भी पास हो गए और आगे फर्दर स्टडीज में वो एडमिशन नहीं ले सकते। तो ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ है अनायास स्टूडेंट्स के साथ। और मतलब मेरे पास इतने कॉल आ रहे हैं, इतने मैसेज आ रहे हैं, मैं ये सोच रहा हूँ कि अनायास बोर्ड पर तो बच्चे क्या कर रहे होंगे, कैसे मैसेज कर रहे होंगे, बेचारे इतने परेशान हो चुके हैं। कल 2 दिन मुझे हो गए हैं, हमारी टीम को हो गए हैं, इतने सवालों के जवाब देने के बाद भी बच्चों को ये लगता है कि हम जवाब नहीं दे पा रहे। क्यों नहीं दे पा रहे? क्योंकि इतना सारे बच्चे हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत उन बच्चों के लिए है जिनको पास कर दिया, पास करने के बाद उनके परसेंटेज इतने कम दिए हैं कि जिससे कि वो आगे फर्दर स्टडीज में यानी अपने ग्रेजुएशन में या 11th में एडमिशन ले ही नहीं सकते। अब वो बच्चे क्या करें ये बताइए। अनायास बोर्ड से मेरा सवाल है, डायरेक्टर सर से सवाल है कि सर ये बताइए, जिन बच्चों के परसेंटेज कम है और उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी में अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है और उसका परसेंटेज 70% में एडमिशन होना है, बच्चों के मिले हैं 50%, तो वो कैसे उसमें एडमिशन लेगा? अब या तो वो री एग्जाम दे, इससे अच्छा तो कम से कम आप री एग्जाम बच्चों के ले लेते, उनको तसल्ली तो होती कि भाई मैंने एग्जाम ऐसे दिया है और मुझे रिजल्ट कम मिला, तो उसको तसल्ली होती। लेकिन ये तो प्रमोटेड पास में तो उनके साथ सरासर धोखा कर दिया है, अब उनको कहीं भी एडमिशन नहीं मिल पाएगा। आपका क्राइटेरिया मेरी समझ में नहीं आ रहा। आपने क्या करा कि जैसे किसी बच्चे के TMA में 12 नंबर है, 12 मार्क्स हैं, तो आपने क्या करा, 12 का दो गुना किया तो 24 हुआ, 24 में से आपने 22 मार्क्स दिए, उसके बाद जो आपने 12 मार्क्स दिया असाइनमेंट में उन दोनों को जोड़कर आपका बैठता 34। तो यानी 34 मार्क्स सब्जेक्ट में वो क्या करेगा आगे जाकर? आपका क्राइटेरिया बिल्कुल अलग है, आपने सिर्फ असाइनमेंट का 3 गुना करके और 1 मार्क्स उसमें से भी कम कर दिया। बहुत सारे बच्चों के जो प्रैक्टिकल्स हैं वो देने गए उनको ऑब्सेंट कर दिया, बहुत सारे बच्चे थ्योरी देने गए उनको ऑब्सेंट कर दिया। तो ये किस तरीके से आपने बच्चों के साथ किया है? अनायास बोर्ड से मैं ये अपील करता हूँ कि भाई बच्चों के साथ धोखा मत कीजिए। इन बच्चों के रिजल्ट का आपको देखना पड़ेगा, इनको रिवैल्यूएट करना पड़ेगा। अब बच्चा दोबारा से री एग्जाम देगा, मान लीजिए हम री एग्जाम दे देते हैं बच्चे, तो उसका तो पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। CBSE में इतने अच्छे मार्क्स दिए गए थे, लेकिन आपने पता नहीं किस लेवल पर मार्क्स दिए, किस बेस पर मार्क्स दिए, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा। कई बार रिजल्ट, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपका रिजल्ट समझ में नहीं आ रहा, आपने डिजी लॉकर में बच्चा पास दिखा रहा है और वही बच्चा उसमें क्या कहते हैं वो दिखा रहा है, फेल दिखा रहा है अनायास बोर्ड में। पता नहीं किस तरीके से सिस्टम करा सर, ये धोखा मत कीजिए अनायास स्टूडेंट के साथ। मेरा अनायास बोर्ड से बिल्कुल पुरजोर अपील है कि इन बच्चों का री एवेल्युएट कीजिए। बच्चों आपको ये वीडियो आगे तक शेयर करनी पड़ेगी, मैं चाहता हूँ ये वीडियो अनायास हेडक्वार्टर तक पहुंचे, मिनिस्ट्री ऑफ HRD तक पहुंचे, जिससे कि वो लोग इस बारे में सोचने मजबूर हो जाए। ये हमारी अपील है, हमें रिक्वेस्ट है अनायास बोर्ड से कि भाई इसको रिवैल्यूएट कीजिए, हमारे बच्चों का भविष्य खराब हो जाएगा। ये आप भी देखिए ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे परेशान हो चुके हैं कि वो कैसे आप आगे एडमिशन लेंगे। दूसरा ये है कि मैं स्टूडेंट से कहता हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा शेयर किया, और दूसरी बात नीचे ट्विटर है, देखिए आप सबको बताएं कि आजकल का युग सोशल मीडिया का युग है, सोशल मीडिया का टाइम है, तो आपको सोशल मीडिया से थोड़ा अपना कैंपेन बढ़ाना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी कि आपकी आवाज़ जो है वो अनायास हेडक्वार्टर तक और जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है उन तक ये बात पहुंचे। तो आपको क्या करना है, अपने ट्विटर से आप खुद भी कर सकते हैं या हमारे जो हमने ट्वीट किया उसको रीट्वीट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी रीच ज्यादा हो जाती है, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे ट्विटर को आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो मैं सर को टैग करूंगा, अनायास बोर्ड को टैग करूंगा कि भाई इसको रिवैल्यूएट कीजिए, तो आप भी उस ट्वीट को रीट्वीट कर दीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे मिल जाएगा।
आपका फेसबुक है, हमारा फेसबुक है, उस पर आप जाके कर सकते हैं, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट है, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो सोशल मीडिया कैंपेन आपको चलाना पड़ेगा। और आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक आप अपनी बात सरकार तक नहीं पहुंचाएंगे, नैश बोर्ड तक नहीं पहुंचाएंगे, वो शायद ना सुन पाए। मैं और हमारे जितने भी YouTube के फैमिली है और जितने भी आपके मेंटर्स हैं, टीचर हैं, सब आपके साथ हैं, आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं, लेकिन ये अन्याय नहीं चलेगा, ये धोखा नहीं चलेगा कि बच्चों को बेवजह फेल कर दिया गया। तो स्टूडेंट्स, आपको सोशल मीडिया के थ्रू ये कैंपेन आगे तक चलाना है, उन तक बात पहुंचानी है, और फिर एक दो दिन का वेट करना है। ये नहीं कि आज ही सारा सॉल्यूशन मिल जाए, वेट करना पड़ेगा। एक दो दिन में शायद एनआईएस बोर्ड उस पर कुछ बैठकर कुछ मीटिंग करे और आपके लिए कोई ना कोई नया सॉल्यूशन निकल जाए। और जो मैंने पहले ही बताया था आपको, एक अपना एक एप्लीकेशन फॉर्म बनाओ, एक एप्लीकेशन लिखो और नोएडा हेडक्वार्टर भेज दो, जो भी आपको प्रॉब्लम है मेन मेन बात उसमें लिखकर, और नोएडा हेडक्वार्टर का जो एड्रेस है आप जाओगे एनआईएस गूगल पर डालोगे, साइड में उसका एड्रेस आ जाएगा, वहां आप उसको सेंड कर सकते हो। लेकिन सोशल मीडिया कैंपेन रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि उसी से लोगों तक बात पहुंचती है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम सब आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं, हम पहले भी आपके साथ रहे, मिशन गाइड इंस्टीट्यूट हर वक्त पर स्टूडेंट के साथ खड़ा है, हम अब भी आपके साथ खड़े हैं। आपका कोई भी और भी क्वेरीज हो तो आप हमें यूट्यूब पे कर सकते हैं, आपका कोई सुझाव हो, सजेशन हो इस रिवैल्यूएट को लेकर, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर कमेंट कीजिए और जरूर कीजिए। क्योंकि देखिए, जब भी आप किसी YouTube चैनल पर या किसी भी सोशल मीडिया पर कमेंट करते हैं तो उसकी रीच बढ़ती है, रीच बढ़ने से वो आगे तक पहुंचती है, आगे तक पहुंचेगी तो आपकी आवाज वहां तक पहुंच जाएगी। जैसा पिछली बार सुप्रीम कोर्ट तक हमारे वकील साहब चले गए थे, उसके बाद आपकी बात मीडिया हो क्या कहते हैं न्यूज चैनल में भी चली, तो इस बार भी ये चीजें आगे तक पहुंचेगी। तो इसमें आप सबको मेहनत करनी है, एक एक स्टूडेंट तक ये बात पहुंचानी है, इस वीडियो को आगे तक शेयर भी करना है। ये सिर्फ आपके और हम सबके भविष्य के लिए, कि हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य बने। ठीक है व्यूअर्स, तो आपको जल्दी से करना है सोशल मीडिया कैंपेन स्टार्ट करना है, और जो हमने ट्विटर नीचे दिया हुआ उसको रिट्वीट कीजिए, उसी के जो टैग्स हैं टैग को कॉपी कर आप अपने दोस्तों तक भेजिए, जिससे कि ये बात उन तक पहुंच जाए। ठीक है व्यूअर्स, डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अच्छा होगा, और मुझे लगता है कि रिवैल्यूएट हो जाएगा, एनआईएस बोर्ड हमारी बात सुनेगा, सब बच्चों की बात सुनेगा, पेरेंट्स की बात सुनेगा, क्योंकि ये चीज उन्हें करनी पड़ेगी। ठीक है व्यूअर्स, और टेंशन मत लीजिए, सब कुछ अच्छा होगा, ऊपर वाले पे विश्वास रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।